आज मैं आपको एक ऑनलाइन अर्निंग का स्रोत बताने जा रहा हूँ जहाँ से मैं अर्निंग करता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है यूट्यूब। यहाँ से मेरी आज तक की डेट की चैनल क्रिएट करने से लेकर के आज तक की डेट की कितना अर्निंग किया हूँ मंथली वाइज, डे वाइज, कब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, कितने वीडियोस अपलोड करने पड़े, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, एडसेंस वेरिफिकेशन पिन, मंथली वाइज सब कुछ कंफर्म करने वाला हूँ। कुछ भी इसमें छुपा नहीं है, हर चीज रिव्यू करने वाला हूँ। तो इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे ही अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। आप यहाँ पर इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हर वीडियो देख पाएंगे। तो शुरू करता हूँ। चैनल को क्रिएट करने से पहले मेरा एक और चैनल था, जब मुझे पता नहीं था यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में, और मैंने दूसरे के वीडियोज़ अपलोड्स करके मोनेटाइज करवाए थे और वहाँ से मेरी अर्निंग आना स्टार्ट हुई थी, तो उस चैनल को मुझे बंद करना पड़ा और फिर मैंने ये चैनल अपना स्टार्ट किया। 28 अक्टूबर 2019 को मैंने ये चैनल अपना क्रिएट किया और इसके नेक्स्ट डे मैंने इस पर वीडियोज़ अपलोड किया। लगभग इस पर मैंने लगातार 14 महीने मेहनत करने के बाद हमको जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, जो क्राइटेरिया पूरा करना होता, पूरा हो गया 14 महीने बाद। ठीक है, पूरा होने के बाद मैंने जो है 8 तारीख को जो है YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से एक जो है एडसेंस अकाउंट बना हुआ था। रिजेक्ट होने के बाद फिर मैंने दूसरे अकाउंट से जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा सक्सेसफुल हो गया और मेरी अर्निंग 9 फरवरी 2021 से आना स्टार्ट हो गई। अब स्टार्ट कैसे हुई, अगर इसे हम मैं फॉरेन कंट्री की भाषा कहूँ तो 8 सेंट थे, बट अगर इंडियन भाषा में अगर बात करूँ तो 0.08 डॉलर से मेरा पहला पे जो है अर्निंग आना स्टार्ट हुई थी। पहले दिन से अर्निंग आना स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे 50 हुई, फिर 40 हुई, इस तरीके घटते बढ़ते लगातार मुझे फर्स्ट अर्निंग कंप्लीट करने में जो है लगभग 3 महीने लग गए थे। ठीक है, 3 महीने लग गए। और इसके पहले जब आप 11-10 डॉलर कंप्लीट करते तब YouTube आपके एड्रेस वेरिफिकेशन पिन आपके एड्रेस पर सेंड करता है, कि ऐसा तो नहीं जहां की करेंसी महंगी हो आप वहां का एड्रेस लगा करके वहां से पेमेंट लेना स्टार्ट कर दो। जैसे फॉरेन कंट्री की करेंसी महंगी है, इस वजह से आपका एड्रेस वेरिफिकेशन पिन करता है। लगातार तीन बार एड्रेस चेंज करने के बावजूद भी हमें 3 महीने तक एडसेंस पिन नहीं मिला, बट जैसे ही हमारे 100 डॉलर कंप्लीट होने वाले थे तुरंत हमारे पास एडसेंस पिन आ गया और मैंने उसे वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो 100 डॉलर कंप्लीट होने के बाद और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास वेरिफिकेशन पिन नहीं आता है तो आप ईमेल के थ्रू भी अपना एक वैलिड आईडी दे करके आप वहां से इसे आप कर सकते हैं, वैलिड आईडी दे करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पे जो है कितने कौन से महीने में कितनी अर्निंग हुई थी। साथ में आपको स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि मेरी टोटल अर्निंग्स कितनी हुई थी। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें टोटल वीडियोस कितने अपलोड हुई, अर्निंग कितनी हुई और जो है वीडियोस अपलोड करने में कितना समय लगता है, सारी चीज़ें इसमें रिव्यू करूँगा। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर एक वीडियो क्रिएटर सही ढंग से अगर एक वीडियो बनाता है उसे पूरा 12 घंटे लग जाता है। एक स्क्रिप्ट, सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद 2 बार उसकी तैयारी की जाती है, फिर 3री बार हम कैमरे के सामने आकर के आपके सामने बोलते हैं ताकि बीच में कट वाली प्रॉब्लम्स ना आए, ताकि आपको अच्छी तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ वो डिलीवर कर सकूँ और आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसमें टोटल दोस्त मैं आपको ये बता दूँ, एक यूट्यूबर का दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, उसके दिमाग में यही नाचता रहता है कौन से टॉपिक पर किस तरीके के वीडियोज़ अपलोड्स करूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, हमारा वीडियो अच्छी तरीके से चलता रहे। तो जॉब में सिर्फ आपका 8 घंटे मिनट चलता है, बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपने खुद के बिजनेस के मालिक हो जाते हो और यहां पर आपका दिमाग 2400 घंटे चलना स्टार्ट हो जाता है। आप सोते रहोगे फिर भी आपको सपना भी इसी तरीके से आते रहते हैं कि आप किस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर पाए। ठीक है, तो पहला जो मेरा पेमेंट जो है फरवरी में, जिस हमारा जब चैनल मोनिटाइज हुआ तब पहला पेमेंट मेरा फरवरी में जो है 11 डॉलर मेरा बना था, 11 पॉइंट कुछ डॉलर था, स्क्रीनशॉट्स आपको मिल जाएंगे। फिर मार्च में मेरा बना 32 डॉलर कुछ सेंट्स, ठीक है, फिर अप्रैल में बना 61 डॉलर कुछ सेंट्स, फिर मई में बना 166 डॉलर कुछ सेंट्स,
ठीक है, फिर जून में बना $170 कुछ सेंट्स, फिर जुलाई में बना $55 कुछ सेंट्स, और अगस्त में बना $56 कुछ सेंट्स, और प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट टाइम मंथ चल रहा है सितंबर में अभी तक बना है $44 कुछ सेंट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो है फर्स्ट पेमेंट्स जो मेरी आई थी वो 3 महीने बाद लगभग 105 या 104 इस तरीके से डॉलर में आई थी फर्स्ट पेमेंट्स। फिर सेकंड पेमेंट, पहली पेमेंट 3 महीने में आई थी मोनिटाइज होने के बाद, यानी फरवरी के 3 महीने बाद, मार्च अप्रैल में लगभग। और फिर सेकंड पेमेंट आई $166, और फिर थर्ड पेमेंट आई $117, और फिर फोर्थ पेमेंट आई $111। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाता है। अब अगर इसे मैं आपको बताऊँ टोटल जो है मेरा कितना पेमेंट्स आया, तो टोटल मेरा पेमेंट्स आया था 543, अभी तक का 543 पॉइंट कुछ डॉलर। ठीक है, इतना हमारा पेमेंट्स आया। अगर इसे प्रेजेंट टाइम में करेंसी के अनुसार अगर मैं कन्वर्ट करूँ, तो प्रेजेंट टाइम में जैसा कि 74 पॉइंट्स कुछ डॉलर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में जो है फॉरेन करेंसी को अगर एक्सचेंज करते हैं, तो अगर 543 इंटू जो है 74 करता हूँ तो लगभग $40,323 बनता है। $40,323 बनता है, इस पे लगभग हमने जो है, अब आप जोड़ सकते हैं कितने दिन मैंने मेहनत की, 28 अक्टूबर 2019 को चैनल क्रिएट करने के बाद आज की डेट तक जो है मैंने जो अर्निंग की है वो ₹40,343 की टोटल अर्निंग हुई है। ठीक है, बट इसमें कुछ बाकी जो भी हमारे पे अकाउंट्स में नहीं आया है तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ। और ये टोटल इतनी अर्निंग्स हुई है, कितने वीडियोस अपलोड करने पड़े हमें, तो आप जब आप जाते हैं अपने सर्च बार में ऊपर डालिएगा भोमा बिजनेस, वहाँ पर जैसे ही हमारा यूट्यूब चैनल पाएगा साइड में आपको टोटल सब्सक्राइबर और टोटल सब्सक्राइबर होने के साथ साथ कितने वीडियोस हमें अपलोड करे वो भी आ जाएगा। तो बीच में जब हमारा चैनल मोनिटाइज होने के कुछ समय बाद मेरे 300 प्लस वीडियोस अपलोड कर दिए थे यूट्यूब चैनल पर, बट कुछ वीडियो ऐसे थे जहां पर व्यूज एक भी नहीं आया था, 0 व्यूज थे, 1 व्यूज थे, 5 व्यूज थे, 7 व्यूज थे, तो उनको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। बट डिलीट नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसमें भी मेहनत लगी थी, बट मैंने उसे डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद फिर और नए वीडियोस बना करके इसे अपलोड करना शुरू किया। बीच में मैं क्या करता था, एक दिन में, अब एक प्रॉब्लम और भी यूट्यूबर के सामने आ जाती है, वो कहते हैं एक दिन में कितने वीडियोज़ अपलोड करने चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग में बता दूँ एक दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करता था, तब मेरा CTR लगभग 4% था, 4 से 5%, 6% तक चला जाता था। बट जब मैंने क्या किया, एक दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किया, तब मेरा CTR 2 से 3% आ गया। तब मैंने क्या किया, फिर जो है एक दिन में एक वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, तब मेरा CTR 4%, 5% हो गया। जब मैंने फिर क्या किया, एक दिन गैप करके स्टार्ट किया, तब क्या था, मेरा CTR जो लगभग 6% तक मैनेज हो गया। क्योंकि बात यह आ जाती है, जब आप नया वीडियो अपलोड करते हो, पुराना वीडियो अपलोड करते हो, तो एक ही जैसे लोगों के पास यूट्यूब ये सोचता है कि ताकि सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाएं, तो एक जैसे लोगों के पास 2 वीडियो का जो इंप्रेशन जाता है, तो एक पर वो क्लिक करते हैं, एक पर क्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी होती है। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा जो है CTR डाउन हो रहा था, इसकी वजह से मैंने एक दिन गैप करके वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। बट प्रेजेंट टाइम में अभी मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं, बट वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, टॉपिक जो है कन्फर्म करने में, फिर स्क्रिप्ट लिखने में, फिर वीडियो बनाने में, फिर जो है एडिटिंग करने में, फिर क्वालिटी देने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कभी कभी एक आध दिन का गैप हो जाता है। बट मेरा कोशिश यही करता रहता हूँ पर डे वीडियो जाए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके समझ गए होंगे, आपको ये लगा होगा कि हमें यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 8 महीने में हमारी जो अर्निंग हुई थी मोनिटाइज होने के बाद 323, और अगर इसे जो है सालों बात करें तो लगभग 2 साल प्लस हो गया हमें यूट्यूब पे काम करते हुए, जहां से मेरी अर्निंग हुई है 323। तो टोटल अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, तो आशा करता हूं आपको अच्छी जानकारी लगी होगी। तो इसे सबके पास शेयर कर दो भैया, जो भी आपको हिंदी समझता हो, जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता हूं फिर किसी इसी तरीके के धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।